हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी जो टाइम है वो हो रहा है 3:30 का, और आज कुछ शूट नहीं किया सुबह से। आज सूर्य ग्रहण था, सबको पता है, सब लोग अंदर ही थे। वैसे तो हम लोग बहुत सारे प्लान्स थे हमारे आज को लेकर, पर बाद में पता लगा कि आज नहीं निकल सकते। वैसे इधर कोई इतना इफ़ेक्ट नहीं था, पर फिर भी फिर मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं, कुछ भी हो सकता है, नहीं जाएंगे। और फिर 2:30 के बाद, 2:30 तक था, उसके बाद फिर जा नहीं सकते क्योंकि दूर है। हम सोच रहे थे कहीं जाने की, सब लोग साथ में थे तो चलेंगे ये सोच कर हम लोगों ने प्लान बनाया था, बट वो हो गया ख़राब, स्पॉइल हो गया सारा प्लान। और अब हम लोग निकल रहे हैं सब अपने अपने घर के लिए। भाई नहा रहा है और हम लोग सारे तैयार हैं, अब जाएंगे। सिस्टर यहीं रहेगी, वो कुछ दिन यहीं रहेगी और ये जाएगा अपने और हम अपने रास्ते। तो बस, और सबकी बहुत सारी विशेज़ हैं तो मैं सबको रिप्लाई तो नहीं कर पाऊँगी, तो यहीं मैं थैंक यू बोल देती हूँ। थैंक यू सो मच, आप सबने मम्मी को बहुत प्यारी प्यारी विशेज़ दी है और आप सबके प्यार आशीर्वाद के लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच। और अभी जो बच्चे वगैरह हैं वो खाना खा रहे हैं, और मुझे लगा चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। इतनी प्यारी आवाज़ आती है यहाँ पर। और दाल चावल मम्मी ने बनाया आज, ना खाना भी नहीं बनाया क्योंकि ये बोल रहे थे। हाँ आ गई, मैं दिख ही नहीं रही। आज खाना ही नहीं बनाया क्योंकि ऐसा बोलते हैं, जो रात का बचा हुआ था ना वो भी सुबह 9 बजे से पहले सारा खा लिया और उसके बाद खाना नहीं बनाते हैं। तो फिर जब ग्रहण पूरा ख़त्म हुआ उसके बाद मम्मी ने किचन पूरा साफ किया। किचन साफ करने के बाद फिर अभी दाल चावल बने हैं, अब सब लोग खा रहे हैं। तो अभी सब लोग खाना खा रहे हैं दाल चावल, सबको भूख लगी और आज ना बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और बार क्या होता है, मतलब जब खाना बना हो तो भूख नहीं लगती, और आज ऐसा हो रहा था, सबको भूख लग रही थी, सब लोग बोल रहे थे भूख लगी भूख लगी। और इनके पैर का दर्द भी अभी ठीक है, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या हुआ, पता नहीं एकदम से नस शायद पलट गई या खींच गई, कुछ हो गया इनको। जब ये पिछली बार आए थे ना माई के मम्मी के साथ गए थे तो उस टाइम कुछ हो गया था इनके पैर में। और कल फिर किसी से सुबह इन्होंने खिंचवाई, किसी ने खींच दी कि ठीक करते हैं, और उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इनको दर्द होगी। फिर गाड़ी चला कर ये आए तो फिर स्वेलिंग आ गई थी। फिर रात में सिकाई की, गर्म पानी, नमक वाले पानी की सिकाई की, उसके बाद इसमें ट्यूब लगाई मम्मी के पैरों की दर्द की जो है वो लगाई, उससे आराम हो गया बिल्कुल। उससे मतलब कल तो एकदम रेड और ऐसा लग रहा था जैसे मांस फट के, नहीं होता एकदम से अंदर मांस फट जाए, स्वेलिंग आ जाती, वैसा हो गया था। हम लोग डर गए थे रात को, पर उसके बाद रात में ठीक हो गई थी, अभी ठीक है। पर वही होता है, बेंड करना, मतलब घुटना फोल्ड करना, उसमें दिक्कत हो रही है। तो अब जाएंगे हॉस्पिटल, ये ना हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, इनको जितना मर्जी बोलो ये हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। तो बस अब मैं चलती हूँ, भाई भी नहा के आने वाला है, आगे तक देखेंगे इस वाले रास्ते में, ये जो आगे जा रहा है इसमें देखेंगे अगर अभी चले घूमने। आगे बहुत अच्छी जगह है, नीचे हमारा घराट हुआ करता था पर अब नहीं है, मम्मी दादी बता रहे हैं कि अब नहीं है घराट, वो बह गया पानी में, बहुत पहले हुआ करता था। तो ज़मीन है वहाँ पर हमारी, और खेतों में भी मैं नहीं गई, मम्मी बोल रहे हैं कुछ भी नहीं है, एक दाना भी सेब का नहीं है, सारे जो खुरमानी वगैरह थी और सेब थे वो सारे पक्षियों ने आराम से वो सारे पक्षियों ने खा लिए हैं, और ख़राब कर देते हैं ना चोंच मार के, फिर गिरा देते हैं, तो है ही नहीं, पहले ही कम थे तो अब है ही नहीं। अब मैं भी जाती हूँ खाना खाने, फिर निकलते हैं अपने घर के लिए। दादी बोल रही थी, अभी आपसे बात कर रही थी तो दादी बोल रहे थे कि मत जाओ सुबह जाना, तो मैंने कहा नहीं दादी चलते हैं, सुबह भी फिर ऐसे ही होता है, सुबह शॉप खोलेंगे ये, क्लासेस तो खैर है नहीं। और दादी को बोल रही थी आप चलो, तो दादी ये बोल रही थी अपनी भाषा में कि मैं नहीं आऊँगी आगे, बहुत गर्मी है। बुआ भी उनको बुला रहे थे पर उसी गर्मी की वजह से उन्होंने मना कर दी कि मैं नहीं आऊँगी। और फिर बुज़ुर्ग ना जाते नहीं है अपने घर से, दादी का ये है ही, कहीं जाना हो बड़ी मुश्किल से उनको तैयार करना पड़ता है, नहीं जाते ना वो किसी के घर जाते हैं और ना वो सिर्फ़ एक अपने मायके जाते हैं बहुत सारे दिनों के लिए एक बुआ के पास, और बाकी अपने घर पे रहते हैं। तो फिर ये बोल रहे थे तेरी माँ के लिए मैं नहीं आऊँगी, जब यहाँ से सारा काम ख़त्म हो जाएगा तब मैं आऊँगी। तो चलिए मैं चलती हूँ, अभी खाना खा लेती हूँ। तो यहाँ पर ये लोग पहले से बैठ गए हैं खाना खाने, मैं और सुजल रह गए हैं, पापा और भाई, तो हम लोग अब खाएँगे।
तो पहले ये लोग बैठ गए हैं, दादी लावण्या, सिस्टर और हस्बैंड। तो हमारी प्लेट्स भी लगी हैं। ये क्यों ले जा रहे हो लावण्या? आगे बहुत टॉयज है, रहने दो, जब यहाँ खेलना होता है। कोटगढ़ में कहाँ है टॉयज? यार बेटा कोटगढ़ नहीं जा रहे हैं। राइट कौन सा होता है? राइट होता है सीधा, राइट इसमें लिखा है सीधा होता है, राइट राइट इज कॉल्ड सीधा। मास्क तेरा बड़ा अच्छा है यार। कल कौन सा बंद हो जाएगा? कल तो लावण्या ना अपने मामू के साथ तैयार हो गई। उसने एक बार बोला कि चलो, और वो सच में तैयार हो गई। बोल रही है कि मैं भी आऊँगी मामू, और अब बार बार बोल रही है चलो। तो उसने वैसे ही बोल दिया था मजाक में कि इसको मैं ले जा रहा हूँ कोटगढ़। तो अब वो पीछे पड़ी है मामू के अपने कि मैं भी आ रही हूँ। इसके पास ना वहाँ दिन को दिक्कत है, कौन देखेगा, तो मुश्किल है इसके साथ। तो अब रोएगी ये लड़की पक्का। मम्मी आपसे कुछ कहेंगे, आप लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी विशेस दी है मम्मी के बर्थडे पे, तो मैंने कहा चलिए मम्मी खुद ही थैंक यू बोल दो। बोलो थैंक यू बेटा, सबको थैंक यू, बड़ों को छोटों को तो थैंक यू, बड़ों को प्रणाम और धन्यवाद सबको, बहुत 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 खुश हुए मम्मी। मैं कमेंट्स पढ़ा रही थी मम्मी को, तो मम्मी बोल रहे थे सबको थैंक यू बोल देना मेरी ओर से, तो मैंने कहा चलो आप ही बोल दो। तो हम जा रहे हैं अब, बाय। ठीक है बाय। हम भी जा रहे हैं, बाय। मम्मी बोल रहे हैं सुबह जाना, पर सुबह फिर वही हो जाता है ना, लेट हो जाती है सुबह, उठो फिर जाओ, फिर इससे अच्छा है रात में ही चले जाएंगे। वैसे क्लासेस तो है नहीं अब। पापा नहीं उठे? पापा नहीं उठे अभी, पापा लगे अभी। ये गाय का पेड़ है मम्मी? बेउल है। बेउल 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 का पेड़ है ये। बेउल 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 हमारी भाषा में इसको बेउल बोलते हैं। बाय बाय कर भाई ये ले। तो हम लोग जा रहे हैं, गाड़ी जो है यहीं आती है बिल्कुल सामने, घर के साथ ही है, और पीछे तक नहीं आ पाती क्योंकि बीच बीच में घर बने हैं ना, तो बस इसी वजह से। और मम्मी सिस्टर छोड़ने आए हैं, और कभी कभी ना ऐसा लगता है देखकर, देखिए कितने बड़े हो गए हम लोग। अभी कल ही की तो बात है, हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे, कैसे हम आपस में लड़ते थे भाई बहन, और फिर जब ऐसे टाइम में बड़े होकर अलग होते हैं ना, तो थोड़ा ऐसा लगता है, बहुत याद आते हैं पुराने दिन। खैर लड़ाइयाँ तो हम लोगों की अभी भी चलती रहती है, नोक झोंक, पर प्यार बहुत है। और ये देखिए नानी को, मतलब नानी बहुत वो हो जाती है बच्चों के साथ, मन उनका वो हो जाता है। और दादी यहाँ डांट रहे थे मुझे कि फ़ोन गिराना मत, मैं उनको रिकॉर्ड कर रही थी ना। तो बस हम लोग निकल गए हैं, और जाते हुए सबके चेहरे आपको पता है कैसे होते हैं। वैसे हस्बैंड को मना कर रहे थे अभी कि सुबह जाना, आज थोड़ा और मतलब दवाई लगा लो, फिर मम्मी ने दवाई साथ ही दे दी है। और ये देखिए हम अपने गाँव से अब निकल चुके हैं, और रास्ता जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि आप पिछली तरफ को देख हैं पत्थर मिट्टी। यहाँ से मेरे गांव से ऊपर, मतलब मेरे मायके के गांव से ऊपर दूसरा गांव है, वहां के लिए रास्ता निकल रहा है। फेंक फेंक मैं डर गई, मैं दोबारा। तो हम लोग फिर से रुके हैं यहीं पानी के पास, भाई लेकर जाता है हमेशा यहाँ से पानी, हंस रहा है मुझे देखकर। और यहाँ पर ये गाड़ी, यहाँ पे गाड़ी में थोड़ा शीशे धूल इस तरफ को बहुत ज्यादा है। तो चलो अब चलो, इसको दे दे बेटे पीने को पहले थोड़ा सा, ठंडा पानी होता है एकदम से यहाँ, बिल्कुल ठंडा। तो ये देखो कितना ठंडा पानी है यहाँ पर, बॉटल में भी मॉइस्चर आ गया। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए, और यहाँ तो तूफान चल रहा है, बस यहाँ ना तूफान चलता है बहुत ज़्यादा। और बच्चे पहुँच गए सीधे दादू की शॉप में, दादू ये लेना वो लेना, और पति देव को जो उनके फ्रेंड है वो मिल गए, गाड़ी पार्क करते ही वो निकल गए घूमने, कहते तुम चलो मैं अभी आता हूँ, फिर पियेंगे चाय बनाकर। तो वो निकल गए घूमने। 7:30 का टाइम हो गया, और मैं ना लेट गई थी थोड़ी देर, पता नहीं मायके से आने के बाद सुस्ती आ जाती है, किस किस को ऐसा होता है मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। जब जा रहे होते हैं तो सुफुर्ती आ जाती है, पर वहाँ से आने के बाद पता क्या हुआ, वहाँ पर आज सारा दिन अंदर 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 थे ना, और क्या नाम, लेटे हुए थे, नींद तो आई नहीं, बात कर रहे थे हम तीनों चारों, सब लोग थे, हस्बैंड सोए थे थोड़ी देर, भाई सोया था,
और पापा एंड में सोए, जब सब उठ गए, जब मैं आपसे बात कर रही थी उस टाइम पापा अंदर जाकर सोए और लेटे थे और उनको नींद आ गई, बाकी हम लोग कोई नहीं सोए, मम्मी भी नहीं सो पाए। तो हम लोग बातें कर रहे थे और फिर एक जगह बैठ बैठ के ना बोर हो जाता है इंसान, काम भी कुछ था नहीं, खाना वगैरह मम्मी ने फिर बाद में बनाया, जब हम लोग नहाने वगैरह लग गए तब मम्मी ने खाना बनाया, क्योंकि उन्होंने कहा पहले किचन साफ़ करना है। और फिर आके लेटी और वीडियो का था थोड़ा बहुत ना, वीडियो चेक की, दोनों ये बच्चे ना लाइट सारी जला कर रखते हैं, दोनों दोनों चैनल्स पे मैंने वीडियो डाली है तो वो देख रही थी, कमेंट्स वगैरह थोड़े बहुत रीड किए, रिप्लाई अभी नहीं किया। और खाना अभी समझ ही नहीं आ रहा, फिर उठ गई, मैंने कहा उठ जाओ खाना बनाना पड़ेगा, तो अब समझ ही नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। कद्दू रखा है एक, पर कद्दू ये खाते नहीं है, अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा। चावल भी आज दोपहर में ही खाए थे, चावल खाने का मन नहीं है। लायक इधर खेल रहे हैं दोनों, दूसरी भी निकल गई टीवी ऑन करके, ये झूले पे ना इनके मज़े रहते हैं और जब ये टूटेगा तो इनको पता चलेगा, गिरेंगे ये लोग ज़ोर से, गिरेगी लावण्या। ये देखिए 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 क्या है भाई, तो बस मैं आ गई किचन में, मुझे कुछ नहीं सूझा। हस्बैंड तो कह रहे थे कि सेमियां बना लो, उसके साथ चपातियां बना लेंगे क्योंकि भूख नहीं है, लेट खाना खाया है, पर मुझे लगा नहीं, फिर अच्छा नहीं लगता, नमकीन कुछ चाहिए। तो बस मैं यहाँ पर सब्जियां ढूंढ रही थी, कद्दू से खाने से मना कर दी, तो आलू मिले, वो देखिए मैंने बॉयल करने को लगा लिए हैं, मैं बना रही हूँ दम आलू। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, ये रफली चॉप कर दी है और बस उसी तरीके से बनाएंगे जो डिफरेंट तरीके का तड़का मैं लगाती हूँ। तो देखिए प्याज सॉरी लहसुन अदरक हरी मिर्च और काजू पहले डाले हैं, उसके कुछ सेकंड्स बाद प्याज डाली है। आप चाहे तो यहाँ पर लाल मिर्च जो होती है कश्मीरी लाल मिर्च वो डाल सकते हैं, खड़ी साबुत लाल मिर्च जो होती है, मेरे पास नहीं थी तो मैंने हरी मिर्च ऐड की है। और नमक डालकर अच्छे से मिला लेंगे, ठंडा होकर इसको हम पीस लेंगे। और उसी कढ़ाई में देखिए मैंने थोड़ा सा तेल और लिया है और उसमें डाल दिया है जीरा, और अब जो हमने ये ग्रेवी पीस कर रखी है ये हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए बहुत ईजी है, आज हल्दी और लाल मिर्च मैंने पहले नहीं डाली है, बाद में डालूंगी। तो ये देखिए इसे अच्छे से मिला लेंगे बहुत अच्छे से, और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे सारे स्पाइसेस। तो सबसे पहले नमक डाल देंगे और उसके बाद हल्दी पाउडर और देगी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब चीज़ें, और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। आप चाहें तो सारे स्पाइसेस इकट्ठे करके भी डाल सकते हैं, तीखा खाते हो दम आलू अगर चटपटा चाहते हैं आप तीखा, आप चाहे तो आलू को फ्राई भी कर सकते हैं, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो देखिए ग्रेवी को अच्छे से मिलाएंगे और तेल छोड़ने पर उस पर डाला है दही 2 बड़े चम्मच और गैस को सिम कर दिया है, और अच्छे से दही को मिलाएंगे ताकि दही जो है फट ना जाए और दही एक सार हमारी इसमें हो जाए ग्रेवी में। तो ये देखिए जब दही अच्छे से मिल गया उस टाइम पर यही जो जार था ना इसी को मैंने मतलब साफ करके पानी डाल दिया है, और कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे, बस उबाल आने देंगे, उबाल आने के बाद ये बॉयल आलू इसमें डाल देंगे। तो छोटे छोटे आलू थे, मुझे लगा चलिए दम आलू ही बना लेती हूँ। तो ये देखिए ग्रेवी जो है बन गई है, तेल छोड़ दिया है, आलू इसमें डालेंगे, बाद में हरा धनिया डालकर गार्निश कर सकते हैं, गर्म मसाला आप अभी ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो खड़े मसाले भी डाल सकते हैं, तो बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी ये होती है। तो अब मैं बनाती हूँ एक साइड में चपातियाँ, साउंड कम करो, तो लावण्या और सुजल सो गए और मैं अभी आ रही हूँ किचन से, 10:15 का टाइम हो गया है, ये मतलब जल्दी उठ जाता है आजकल सुजल सुबह, तो इसको नींद भी जल्दी आ जाती है, और लावण्या को भी कुछ दिन से ना जल्दी ही नींद आ रही है, और मैं पसीना पसीना भी आ रही हूँ किचन से, अभी मुंह नहीं धोया है और आज कोई भी कमेंट रिप्लाई नहीं किया, नहीं तो साथ साथ कर देती हूँ, अब पढ़ूंगी फटाफट। बर्थडे है 22 जून को, अर्चना का बर्थडे है, तो मैं चेक कर रही थी अभी, तो हैप्पी बर्थडे अर्चना, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको सारी खुशियाँ दे, ढेर सारी खुशियाँ दे, आप खूब तरक्की करो, खूब बड़े बनो, अगर आप बड़े हैं तो भगवान आपको हमेशा आप पर अपनी छत्र छाया बनाए रखें। तो चलिए फिर अब इस वीडियो का एंड भी मैं यहीं पर कर देती हूँ, और दम आलू जो है वो बहुत अच्छे बने थे, और बीच में ना कोई आ गया था
गेस्ट, तो गेस्ट ही कह सकते हैं, रिलेटिव थे वो, किसी काम से आए थे तो वो आ गए थे जब मैं प्याज टमाटर काट रही थी उस टाइम पर आ गए, तो उस वजह से 1 घंटा थोड़ा बीच में मतलब लेट हो गया उस वजह से। फिर उन्होंने खाना नहीं खाया, वो लोग निकल गए, मैं बोल रही थी खाना खा के जाना पर वो लोग नहीं रुके, तो उस वजह से थोड़ा लेट हो गए आज। नहीं तो मैंने सोचा था जल्दी जल्दी बनाऊँगी और उसके बाद जल्दी इनको सुला दूंगी, क्योंकि लावण्या भी बोल रही है सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना है अपने भैया को देखकर, तो देखती हूँ इसके साथ तो नहीं भेजूंगी, इसके साथ तो मुझे खुद ही जाना पड़ेगा लावण्या के साथ, देखते हैं सुबह क्या होता है। अगर उठ जाएगी, उठ भी जाती है वैसे, ये ऐसा नहीं है, लास्ट ईयर उठ जाती थी 5 बजे मॉर्निंग वॉक को निकल जाते थे तो उठ जाती थी, तो गर्मियों में ये फ़ायदा रहता है सुबह जल्दी उठने का, सारा काम जल्दी जल्दी हो जाता है। तो चलिए कल देखेंगे उठेगी, ठीक है नहीं उठेगी तो भी कुछ नहीं कर सकते, क्लासेस तो आजकल है नहीं, तो चलिए फिर अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलेंगे आपसे इसी तरीके की नई वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी होगी थोड़ी सी भी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल बटन के साथ न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।